राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और कुछ चीज़ें और भी बना रही हूँ मैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू और गोभी को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है, और फिर मैं हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से करूँगी फ्राई, जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है। मटर को मैं इसमें नहीं तलूँगी, क्योंकि मटर मैं सफ़र यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है तेल, और लगाऊँगी तड़का जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ते का, बारीक बारीक काटा है मैंने प्याज, और प्याज को भी अच्छे से सुनहरा होने तक भूज लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, कद्दू किए मैं डालूँगी, टमाटर इसमें 4 से 5, और उसे भी डालकर अच्छे से मैं भूज लूँगी। फिर मैंने एक कटोरी सफ़ल मटर ली है, और उसे भी डालकर प्याज के साथ मैं भूज लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी मिर्च, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, जीरा पाउडर, और उसे डालकर मैं भूज लूँगी इसके साथ। फिर मैं इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक, नमक मैं हमेशा हाथों से ही डालती हूँ। और उसके बाद जो हमने सब्जी को फ्राई करके रखा था, हम उसमें वो डालकर और ढक से मात्र 5 से 10 मिनट इसके साथ हम पका लेंगे। और देख सकते हो आप सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। अगर हम आलू और गोभी को पहले ही फ्राई कर लेते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मेरी चटपटी आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। और साइड में मैंने बनाया है बच्चों के लिए छोले, और आज मैंने मखनी दाल नहीं बनाई है, आज मैंने मिक्स दाल बनाई है, और वो भी बनकर मेरी तैयार है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना रही हूँ, पर उनकी वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि जब हम एक साथ काफ़ी काम करते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती पॉसिबल। और देख सकते हो आप, चावल भी मेरे बन चुके हैं, छोले भी बन चुके हैं। सलाद के लिए मैंने कुछ चीज़ें रख दी हैं धोकर और छीलकर। दाल भी मेरी बन चुकी है, और पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और ये सारा खाना मेरा बनकर तैयार है। और आप भी आइए, एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं, बाय बाय दोस्तों।